सो यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आगाज करते हैं। ये सब चीजें जो हैं, ये जो हमारे लिए एक हमारे ईमान का और हमारी पहचान का सबब है, क्रॉस, स्टैचू, रोजरी, ये जब शुरू में खुदावंद यीशु मसीह के साउथ करने के बाद जब उसकी मनादी करने के लिए पहले शागिर्द निकले और फिर शागिर्दों ने आगे शागिर्द बनाए और इसी तरह जब कलामे मुकद्दस का प्रचार बढ़ता चला गया तो आगे पूरी दुनिया में बहुत से मिशनरी इस मिशन को, इस विजन को लेकर निकले। तो इस बात को हम जानते हैं कि वो दौर बेदीनी बुत परस्ती का ज्यादा दौर था, तो लोगों को खुदा की और खुदा के बेटे यीशु मसीह की पहचान ना थी। सो वो इस मिशन को लेकर निकले। सो उस वक्त लोगों को इस सच्चाई की पहचान कराने के लिए सलीब बनाई गई और उसके ऊपर एक स्टैचू बनाकर लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि लोगों को बताया जाए कि खुदावंद यीशु मसीह इस तरह सलीब पर चढ़े थे, हमारे लिए, आपके लिए। तो ये एक पहचान के तौर पर वो लोग लेकर निकले और ऐसे ही निशानात की पहचान की वजह से लोग खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू हुए और उस पर ईमान लाए। पर चलते चलते ऐसा हुआ कि फिर लोगों की सोच इस तरह तौर से बदली कि लोगों की पहचान ही जो थी वो पहचान और ईमान जो था वो इन्हीं चीजों पर अटक गया। सो अपनी लाइफ में भी मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग घरों में क्रॉस लगाई है, ऊपर स्टैचू लगा हुआ है या उस तरह के स्टैचू और कैलेंडर लगे हुए हैं और मुकद्दसा मरियम की तस्वीरों के कैलेंडर लगे हुए हैं और सुबह उठते हैं और उनकी तरफ रुख करके हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहे होते हैं। जबकि ये हकीकत नहीं है, हकीकत इसके बरक्स कुछ और है। हकीकत क्या है और ये क्या है? मैंने बारहा बहुत से लोगों को इस बारे में तालीम दी। क्या आप आज भी मसीह यीशु को सलीब चढ़ाए हुए हैं? क्या आप के गुनाहों का कुफारा जो है, क्या मुकद्दसा मां मरियम ने दिया है या जो आपने उसके एक कैलेंडर पर तस्वीर सामने लगा रखी है, क्या ये ही हकीकी मरियम है? जबकि उसमें कोई हकीकत नहीं है। और बहुत से लोग रोजरी
पढ़ते हैं जो कैथोलिक चर्चेस के साथ जो है वो मेंबरशिप रखे हुए, तो उनको रोजरी पढ़ने के लिए बड़ी सख्त तलकीन की जाती है। और वो रोजरी पढ़ते हैं, तो जबकि ये रोजरी और तस्बीह में कोई फर्क नहीं है। और इस तस्बीह को असल में जो लोग पढ़ने वाले हैं, जिनमें के ज्यादातर हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो उनको जब हम देखते हैं तो उनकी तरफ देखकर भी कुछ हमारे लोगों ने नकल करने की कोशिश की है। और इस पर मैं एक शेर सुनाता हूं, किसी ने मुस्लिम भाई ने ही ये लिखे हैं और लोगों की नजर में, तो मुस्लिम भाइयों की नजर में तो वो बहुत अकीदत रखने वाला शख्स है और वो उसकी अकीदत अपने दिल में रखते हैं। तो उस शख्स ने जो तस्बीह के बारे में कहा वो बयान करता हूं। वो फरमाता है कि तस्बीह फिरी पर दिल न फिरिया, ते की लेना तस्बीह फड़ के हू। सॉरी। तो उसके कहने का मतलब जो है वो ये है कि तस्बीह के दाने तो घुमाता रहा मगर अपना दिल जिस तरफ घुमाना था उस तरफ नहीं घुमाया गया। सो हम में जो लोग तस्बीह वो रोजरी पढ़ते हैं वो भी उनका भी अंदाज वही है, मगर अगर दिल नहीं फिरता तो उसके फेरने का रोजरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, किसी किस्म का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए रोजरी पढ़ना ठीक नहीं है। अब स्टैचू की तरफ आते हैं, तो जिस तरह की सूरत और शक्ल उस पर बनाई गई है, अब लोगों के अंदर वो तस्वीर गढ़ गई हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा ही था, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक तसव्वुराती नक्शा है जो लोगों ने बनाया और उसको अपना एक बिजनेस बना लिया। तो वो बनाने से फिर यही हुआ है कि हमने मसीह को कबूल किया, या वो मूर्तियां जो हम पूजते थे वो छोड़ी और खुदावंद यीशु मसीह की मूर्ति बना ली। तो जब वो मूर्ति बना ली तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क तो कोई ना पड़ा। इस बात पर हमें गौर करना चाहिए और बड़े दिल से इस पर गौर करना चाहिए कि बुत परस्ती की मूर्तियां हमने छोड़ी और एक जिंदा खुदा की मूर्ति बना के रख ली, तो उसको अब उसी मूर्ति को ही यीशु जानकर हम उसके हजूर अर्ज करें तो क्या वो मूर्ति हमारी सुन रही है?
वो नहीं सुन रही। इसीलिए कलामे मुकद्दस में ये आया कि जो लोग खुदा को तराश कर अपने हाथों में उठाए फिरते हैं वो कैसा खुदा है, जिसकी आंखें भी बनाई गई हैं मगर वो देख नहीं सकती, उसके कान भी बनाए गए हैं वो सुन नहीं सकते, उसकी नाक भी बनाई गई है मगर वो सूंघ कर कुछ भी महसूस नहीं कर सकती, उनके मुंह हैं मगर वो बोल नहीं सकते, उनके हाथ हैं पर कुछ उठा नहीं सकते, उनके पांव हैं मगर चल नहीं सकते, मगर मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, उसकी आंखें भी जिंदा हैं, उसके कान भी जिंदा हैं, उसके हाथ भी जिंदा हैं, उसके पांव भी जिंदा हैं, और उसके मुंह से आवाज भी निकलती है, वो हमारे साथ कलाम भी करता है, वो बात भी करता है, वो सब कुछ करता है, वो जिंदा है, वो अलाइव है। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी तस्वीर, उसका नक्शा रूह में जो है, और रूह में वो नक्शा उसका जो मैं अपनी रूह में अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत रखता हूं, उस पर भरोसा करता हूं, उसको अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता हूं, तो जो उसके कलाम से और उसके कलाम को अपने अंदर उतार लेने से जो उसका अक्स बनता है, वो हकीकत है जो मेरे दिल में बसती है। मैं अपनी मोहब्बत में जिस तरह का उसको देखता हूं, अनदेखे को देखता हूं, अपने मन की आंखों से देखता हूं कि वो ऐसा खूबसूरत है, वो ऐसा नूरानी है, वो ऐसा जलाली है, उसके कलाम के वसीला से उसका वैसा ही एक जिंदा नक्शा मेरी रूह के अंदर और आपकी रूह के अंदर उतर जाता है। तो वो हकीकत है, वो एक सच्चाई है, वो मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। अब सलीब है, सलीब को हम अपना पक्का निशान समझते हैं, अगर कोई सलीब को तोड़ देता है तो हम कहते हैं कि जो सलीब की बड़ी बेहुर्मती हो गई, भाई लकड़ी की सलीब थी और उस लकड़ी पर वो उसको चढ़ाया गया। तो इस पर बड़ी बड़ी शायरी लोगों ने की है कि वो जनाब वो लकड़ी जो थी वो मेरी नजात बन गई, उस लकड़ी के वसीला से मेरी नजात हो गई, उस लकड़ी की सलीब के वसीला से मैं जिंदा हूं, डजन डजन इस पर बड़ी लोगों ने शायरी भी की है और कलाम भी किया है। लेकिन लकड़ी तो मेरे भाई लकड़ी है, लकड़ी जो है वो तो लकड़ी है और लकड़ी भी बेजान है, उसको तराश कर जहां भी रख दोगे वो वहां पड़ी रहेगी, वहां से इधर उधर वो हिलकर हो नहीं सकती। जबकि वो लकड़ी एक वक्त था कि वो जिंदा थी, जब वो दरख्त के साथ मौजूद थी तब उसमें एक जिंदगी थी, उसमें एक हरियावल थी, उसमें एक नमी थी और उसमें एक नरमी भी थी। ये सारा कुछ उसमें था, मगर जब उसको काट दिया गया तो उसकी सारी वो नरमी, उसकी सारी वो नमी और उसकी सारी वो जिंदगी वो खत्म हो गई, वो डेड हो गई। अब उसको जिस तरह की तराश कर रख दिया गया वो वैसे की वैसी है, उसके आगे या पीछे या इधर या उधर दाएं बाएं कुछ नहीं हो सकता, उसका उसका कोई हाल नहीं है। इसलिए सलीब एक लकड़ी का निशान है मेरे और आपके लिए, वो एक निशान है। तो हम उसको एक निशान के तौर पर ही समझें, लेकिन
उसको आप किस तरह का निशान हम समझे, इस बात को भी लेना है कि एक जिंदा सलीब है, एक मुर्दा सलीब है। जिंदा सलीब जो है वो क्या है, और मुर्दा सलीब जो है वो मैंने बता दी है कि वो लकड़ी की सलीब जो है वो मुर्दा सलीब है। अब जिंदा सलीब की तरफ हम आते हैं। अगर आप उसी सलीब की तरह सीधे खड़े होके अपने बाजू सीधे फैला लें तो आप खुद से एक सलीब हैं। आप खुद से एक सलीब हैं और फिर आप जो हैं वो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करते हैं, इसलिए आप जिंदा सलीब हैं। मगर अब उस पर काम जो है वो क्या है, खुदाबंद यीशु मसीह ने हमें उसके बारे में क्या फरमाया? खुदाबंद यीशु मसीह ने ये फरमाया, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। और जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वो मेरे लायक नहीं है। तो अब इसका मतलब कोई अगर ये समझे कि अपनी सलीब उठाकर चलना है तो क्या वो लकड़ी की तस्वीर बनवा सलीब बनवा कर और उसको कंधों पर बांध कर वो 2 मन या 3 मन वजन की बन जाए तो क्या इतना वजन उस सलीब का उठाकर आदमी चलेगा खुदावंद यीशु मसीह के पीछे? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, कोई सलीब उठाकर बनवाकर हम कंधों पर बांधकर उठाकर नहीं चल सकते, फिर तो हमारी भी मूवमेंट खत्म हो जाएगी और हम भी मुर्दा है। फिर एक हिस्सा और उन्होंने कलाम का बयान किया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे। तो मेरा शिगिर्द है। सो अब आप इस चीज को देखते हैं, मैंने उसमें पिछली वॉइस में मैंने बयान किया कि जिंदा सलीब क्या है। मैं और आप जिंदा सलीब हैं। अब हमारा पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये एक क्रॉस है, मगर इस क्रॉस में एक जिंदगी है और वो जिंदगी जो है उस जिंदगी में दुख हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं और हजार सानियां हैं, मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं, लाचारियां हैं और ख्वाहिशात हैं और बड़ी बड़ी बेहुदा ख्वाहिशात हैं। ये सब चीजें मैं और आप जो जिंदा सलीब हैं इसके अंदर हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह का फरमान जो है वो ये है कि इन सब चीजों को बर्दाश्त करके और उनसे किनारा कशी करके और मुझ पर भरोसा करके, मुझ पर ट्रस्ट करके, मुझ पर ईमान रख के कि मैं तुझे इन समेत बरकात दे सकता हूं अगर तू इनसे किनारा कशी करे, इन सब बातों से, इन सब मुश्किलों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, लाचारियों से, बीमारियों से, दुखों से, भूख से, इफलास से, हजार सानियों से तू किनारा कशी करे, इसको तू भूल जाए और सिर्फ मुझे याद रखे तो मैं वो तेरी सब परेशानियां आसान कर दूंगा।
और मैं तुम्हें उनमें भी जीता रखूंगा और मैं तेरी जिंदगी फिर से नई बना दूंगा और तू मेरे हजूर शर्मिंदगी नहीं उठाएगा और फिर तुझे मेरे पास आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। तो फिर तू मुझे, मैं जो तेरा क्रिएटर हूं, मैं जो तुझे बनाने वाला, मैं तुझे पैदा करने वाला और मैं तुझे जिंदगी बख्शने वाला हूं और इन सब चीजों से तुझे खलासी दूंगा, तो तू ये वाला नक्शा जैसा तू खुद है ये जान ले कि मैं भी वैसा ही हूं, क्योंकि तुझे मैंने अपनी ही सूरत और अपनी ही छवि पर पैदा किया है। सो तू अपनी सूरत समझकर कि तू मेरी सूरत है, अपनी सूरत को मेरी सूरत जानकर मुझे अपने दिल में रख और मेरे कलाम को मेरे अपने दिल में रख और मेरे कलाम पर अमल कर और जिस तरह मैंने तुझे करके दिखाया है इसी तरह तू भी मुझे करके दिखा, मेरी तरह तहम्मुल मिजाज बन, मेरी तरह बर्दाश्त करने वाला बन, मेरी तरह सच बोलने वाला बन, मेरी तरह अमल करने वाला बन, तो तू मेरे लायक है और मेरा शागिर्द है। ये जिंदा सलीब है कि इन सब चीजों में सांस लेते हुए हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को, उसके अक्स को अपने दिल में रखें और इन सब चीजों से किनारा कशी करें और इनको बर्दाश्त करें, इनकी तरफ से तहम्मुल मिजाजी रखें और अपने खुदा के वो अहकाम जो उसने दिए हैं उनको जाने और उनको माने, उन पर उनको अमली जामा पहनाए, तो खुदा हमारा बहुत बड़ा मददगार है और फिर वो हमें निजात के लायक बनाता है और फिर मेरी और आपकी निजात होती है। सो लकड़ी की सलीब बनाकर या मसीह यीशु के स्टैचू लकड़ी पर खोदकर या डाली हुई धातुओं से उसकी सूरत बनाकर और इसी तरह उसको जन्म देने वाली माँ जो है, जिसको माँ कहा गया, वो उसके भी स्टैचू बनाकर, तस्वीरें बनाकर और सामने रख कर या दीवारों पर लटका कर उनके सामने सरबा सजूद होकर या हाथ बांध कर दुआएं करना, इसमें और वो पुरानी बुत परस्ती में फिर 19-20 का भी कोई फर्क नहीं है, फिर हम वही कर रहे हैं। क्या एक मैं मिसाल देता हूँ, हम लोग अक्सर ये पंजाबी में मिसाल देते हैं लेकिन मैं जरा इसको तमीजदारी से समझा देता हूँ कि नाक से पूछ लिया और गाल के ऊपर चिपका लिया तो उसका कोई फायदा नहीं, वो तो और भी ज्यादा हमने अपने आप को गंदा कर लिया। अगर वही बुत परस्ती के तसव्वुरात आज भी हम अपने अंदर रखते हैं तो हम इस जिंदा सलीब की भी तजलील कर रहे हैं और इस जिंदा सलीब के अंदर जो जिंदा है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा क्रिएटर है, हमारा बनाने वाला, हमारा पैदा करने वाला, फिर हम उसकी भी तजलील कर रहे हैं। ये है सलीब का मतलब। अगर हम सलीब को अपना ईमान, यकीन और धर्म और यकीने मोहकम अगर हम समझते हैं तो फिर हम अपनी सलीब पर गौर करें और इस जिंदा सलीब में जो हमारी ख्वाहिशात जिंदा हैं, जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, उनको दूर करें, अपने अंदर से हसद को दूर करें, झूठ को दूर करें, फसाद को दूर करें, कीना रवि को दूर करें, गाली देने को दूर करें, बेईमानी को दूर करें और जनाकारी को दूर करें, हरामकारी को दूर करें, कत्लगारी कत्लगारत को दूर करें,
और हरामकारी को दूर करें और किसी भी तरह का कोई गुनाह अहद शिकनी हम ना करें, माँ बाप की नाफरमानी ना करें, अपने भाइयों से बहनों से मोहब्बत रखें, माँ बाप की फरमा बरदारी पूरे तौर पर करें और अजीज रिश्तेदारों में भी जो है वो साफ गोई से चले, दोस्तों के साथ साफ गोई के साथ चले और किसी के ऊपर तोहमत ना लगाएं और किसी को की ऐब जोई ना करें। तो किसी की आंख में जो शतीर तिनका है उसको ना बताएं, अपनी आंख के शतीर को पहले दूर करें और अहद शिकनी ना करें और जर की दोस्ती ना रखें तो हम जिंदा सलीब हैं, फिर हम अपने जिंदा खुदा को अंदर लेकर चल रहे हैं जिसके लिए ये पैगाम लिखा गया कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। दूसरा मुकद्दस पौलुस रसूल ने फरमाया, बस अब मैं जिंदा ना रहा, बस अब मैं जिंदा ना रहा, अब मसीह मुझ में जिंदा है। हमने इस जिंदा क्रॉस में से हर तरह की बदी को जब दूर कर दिया और अपने गुनाहों का इकरार कर लिया और तौबा की तरफ माइल हो गए और मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा जब कबूल कर लिया तो फिर उसको जो है इस तरह ज़ाहरी तौर पर उसके निशानात रख कर उनकी पूजा करना ये फिर उसी बुत परस्ती के ज़िम्मे में आता है। जब हमने ये सब कुछ कर लिया और अपने ये सब इन ख्वाहिशात को और इन सारी घिनौनी हरकतों को अपने अंदर से निकाल दिया, चूहेबाजी को निकाल दिया, शराब नोशी को निकाल दिया, नशेबाजी को निकाल दिया, यानी हर वो चीज जो खुदा के कलाम के खिलाफ जाती है उसको तर्क कर दिया तो हमने अपने आप को पूरे तौर से उसमें मार दिया, गर्क कर दिया, तब हम नए सिरे से जिंदा हैं और ये फिर हमारी ये सलीब और ज्यादा जिंदगी की सूरत में नमाया होती है क्योंकि फिर इसमें जिंदा मसीह चलता है और फिर इस सलीब से वही काम होते हैं जो जिंदा मसीह को पसंद है। ये सलीब है जिसकी हमको पूजा करनी है, ये वो सलीब है। वो सलीब लकड़ी की जो थी वो एक हमारे लिए एक डेमो है जो वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया कि आपके दुश्मन जो है, आपका दुश्मन जो अबलीस है वो आपको इस तरह लटकाता है। और हम जब अपने दुखों में करा रहे होते हैं और दुनिया की जरूरियात में और दुनिया की परेशानियों में हम जब करा रहे होते हैं तो हम उसी तरह जिस तरह मसीह यीशु सलीब पर लटकाए गए हम उसी तरह एक किस्म के लटके होते हैं और वो हमें अबलीस ने लटकाया होता है। मगर अगर हम उन सब चीज़ों को की नफी करके तो फिर अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ और उसके कलाम की तरफ रजू करते हैं तो हम जिंदा सलीब अपनी उठाकर चल रहे हैं कि उसमें हम वो सब कुछ सह रहे हैं और उसको हम तर्क कर रहे हैं, उसको हम अपने अंदर से पारक कर रहे हैं और अपने यीशु मसीह को अपने अंदर जगह दे रहे हैं। तो फिर ये हमारी सलीब जो है जिंदा सलीब बन जाती है और फिर ये निजात का सबब बन जाता है क्योंकि मसीह मेरे और आपके अंदर है और हम निजात याफ्ता हैं, फिर हमसे वही काम होते हैं जो मसीह चाहता है, हमारे मुंह से वही बातें निकलती हैं जो मसीह चाहता है, हमारे ख्यालात वैसे हो जाते हैं जैसे मसीह के हैं, हमारी सोचें वैसी हो जाती हैं जैसी मसीह की हैं, हमारे इरादे वैसे हो जाते हैं जैसे मसीह के इरादे हैं। ये सब कुछ उसके साथ फिर जो है जुड़कर एक मुकम्मल चीज़ और एक मुकम्मल निजात जो है
वो हो जाती है। मेरे अजीज भाइयों, नाकसुल अकल हूँ और नाकसुल इलम हूँ, इसलिए कोई दावा नहीं करता कि मैं बहुत कुछ हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खाक हूँ, मैं राख हूँ, यही मेरी पहचान है। और इस खाक और राख को भी मेरे मसीह यसु ने ही इस राख को लिया और उसको गूंदा और उसको नरम किया और मेरा और आपका नक्शा उससे बनाया और उसको जिंदा भी किया। ये उसका फजल है, ये उसका रहम है, ये उसका तसल्लत है, ये उसकी कारीगरी है, ये उसका जो है बनाया हुआ ये सारा बदन है और ये सब कुछ उसी का है और वो उसने अपने लिए बनाया था। मगर हम से हमेशा यही गुनाह जो है वो होता है कि हम उसको इसमें से निकाल देते हैं या उसको इसी में दफन करके तो कि किसी दूसरे जो के हर मामले में गलत है, ये बॉडी हम उसके सुपुर्द कर देते हैं, ये सलीब उसके सुपुर्द कर देते हैं। तो जब उसके सुपुर्द कर देते हैं तो ये मुर्दा ही मुर्दा है, क्योंकि फिर इसमें से जिंदगी का कोई काम हमसे नहीं हो पाता। और जब हम जिंदगी के काम उसके बगैर और खुदावंद यीशु मसीह के बगैर करेंगे, उसके कलाम के बगैर करेंगे, तो फिर इसी तरह की ही सजाएं पाएंगे। सो इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। और अब मारूसी गुनाह की बात करते हैं। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, मारूसी गुनाह के बारे में जो बेटा लियाकत एल्डर लियाकत है उसने भी बताया है, लेकिन असल में मारूसी गुनाह क्या चीज है ये हमें समझने की जरूरत है। मारूसी गुनाह वो गुनाह है जिसकी वजह से इंसान मौत की तरफ चल निकला। अब अदन की मिसाल दी गई है बाइबल मुकद्दस में। तो अब उस अदन को भी हम कुछ समझने की कोशिश करें कि हकीकतन जो अदन है वो क्या है। तो बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा ने मशरक की ओर एक बाग लगाया, अदन का बाग। उसमें उसने बहुत से पौधे लगाए और उसमें उसने आदम और हवा को रखा और उनको ये हदायत की, आदम को ये हदायत की थी। आदम को पहले रखा खुदा ने उसमें, तो आदम को ये हदायत की कि तू बाग के सब दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकता है, मगर जो बाग के बीच में नेक और बद की पहचान का दरख्त है उसमें से कभी ना खाना। जिस रोज तूने खाया उसी रोज तू मरा। सो मेरे प्यारे भाइयों, अब उस अदन को हम देखते हैं कि उस अदन में खुदा हर रोज ठंडे वक्त आता और आदम के साथ बातें भी किया करता था। तो हकीकत में जो अदन है वो उसने आदम ही को बनाया, आदम का जो वजूद उसने बनाया, जो जिस्म उसने बनाया, और इस जिस्म के उसने उजव बनाए जिनको हम अंग कहते हैं, ये सब उसने बनाए। जब ये सब उसने बनाए तो प्यारे भाइयों,
लिखा है कि उसने उसको मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। तो वो दम किसका था? वो खुदा का दम था, खुदा उसमें था, खुदा ने अपने रूह को दाखिल किया इस मिट्टी के ढांचे में और ये एक जीती जागती एक शख्सियत बन गया। तो अब दम जिसका इसके अंदर है तो वो इसमें खुद रहता है, जिसका दम है यानी वो इसमें रहता है। और इसके जो उसने उज़व बनाए थे वो हैं बाजू, हाथ, उंगलियां, मुंह, नाक, कान, आंखें, सर, उसके अंदर दिमाग, सीने में दिल, फेफड़े, हर चीज उसने बनाई, और टांगे बनाई, पांव बनाए चलने फिरने के लिए। और जो इसका दरमियान है, अब उसकी तरफ आते हैं। असल में ये चीज है कि बयान करने में खादम हजरात शर्म महसूस करते हैं। जो आदम के दरमियान में नेक और बद की पहचान का दरख्त लगाया गया वो आदम का नाफ का निचला हिस्सा है। तो ये बनाया तो खुदा ने था इसकी रफा हाजत के लिए, क्योंकि जो बाग के पौधे दूसरे लगाए थे वो इसके खाने पीने के लिए थे, क्योंकि खुदा जानता था कि जिसको मैं बना रहा हूँ, इसको मैं जिस चीज से बना रहा हूँ, मिट्टी से बना रहा हूँ, इस मिट्टी को तंदुरुस्त रहने के लिए इन सब फलों की ज़रूरत होगी और इनके खाने की वजह से इसका हाजमा भी जो है वो गड़बड़ करेगा और इसको रफा हाजत भी होगी और ये उससे अपनी रफा हाजत करेगा। लेकिन इसका कुछ इस्तेमाल और भी था, मगर वो खुदा ने कहा कि नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करना। ये था मेरे प्यारे भाइयों वो नेक और बद की पहचान का दरख्त। और जब इसी को गहरी नींद सुला कर, इसी की पसली निकाल कर इसका एक साथी बनाया इस जैसा, जिसकी कमी महसूस की कि वो इसके साथ नहीं है, उसको भी ऐसा ही बनाया, लेकिन वो उसको इससे भी ज्यादा जरा खूबसूरत बनाया और उसके फिगर जो हैं वो और ज्यादा खूबसूरत बनाए। जब इसके पास लाया तो आदम बोल उठा, हम इसका नाम नारी रखेंगे, क्योंकि ये मेरी ही हड्डियों में से हड्डी और मेरे ही गोश्त में से गोश्त है, इसलिए मैं इसका नाम नारी रखूंगा। आप मैं तेरे साथ मिलकर हम इसका नाम नारी रखेंगे, इसलिए कि ये नर से निकाली गई। सो लेकिन इसके उजब जो थे वो कुछ और तरह के बना दिए, मगर फंक्शन हाजत रफा करने का वही था, दोनों का ही। और खुदा दोनों के साथ आकर बातें करता था, खुदा दोनों के दरमियान रहता था, दोनों के दिल में खुदा रहता था और खुदा अंदर से ही कलाम करता था। और ये आपने बाप खुदा के साथ बात करते थे, और अगर वो सामने भी आता था तो जिस तरह ये रूह में पाकीज़ा थे उसी तरह ही वो भी रूह की सूरत में इनके पास आता और इनके साथ बातें करता था। मगर इस दरमियान को के इस्तेमाल को उसने मना किया था। मगर अबलीस जो कि दुश्मन था, जो इसको बनाने से पहले, इसको नमाया जाहिर आदम को जाहिर करने से पहले खुदा ने जब इसका रूह में उसको नक्शा दिखाया था तो उसके अंदर उसी वक्त से घमंड पैदा हुआ था कि मैं, मुझे इसको भी इज्जत देनी पड़ेगी, नहीं नहीं मैं कितनों की इज्जत करूंगा, खुदा की तो मैं करता हूं, तो अब ये उसका बेटा है तो मैं इसकी भी नहीं, नहीं।
इसी वजह से उसने फरिश्तों में बगावत की और खुदा के साथ जंग की, और उसका घमंड जो था कि मैं शमाली इतराफ के पहाड़ के ऊपर बैठूंगा, मैं अपना तख्त खुदा ताला के तख्त से भी ऊंचा ले जाऊंगा और मैं उसी की मानद बनकर राज करूंगा। ये घमंड और इस गुरूर ने उसकी जंग करवाई और वो मार खा के इस जमीन पर गिरा दिया गया, फेंक दिया गया। तो अब इसी जमीन पर जब खुदा ने जाहिर में आदम और हवा को रख दिया तो इसने अब ऊपर तो जा नहीं सका था, फिर नीचे का ये चौधरी बन गया और आदम और हवा को इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया। ऐसे पोलाइटली तरीके से उसने खुदा के कलाम को उल्टा करके उनके साथ बयान किया तो वो भोले इस जंगल में फंस गए और ये गुनाह कर बैठे, इस दरख्त का फल खा बैठे। अब आप, मैं इसमें कोई हेजिटेशन फील नहीं करता कि ये औरत और मर्द दोनों के लिए एक ऐसा लजीज फल है कि अब ये इनकी मजबूरी बन गई हुई है। अब जब तक इसका ये हिज नहीं उठाते, चैन की जिंदगी बसर नहीं होती। ये था वो मरूसी गुनाह, ये जो खुदा के अदन में जो उसने इनके रहने के लिए बनाया था वो उसमें इन ये हुआ। और कराया किसने? अबलीस ने। मगर ये सीधा इकरार उस वक्त ना कर सके, इकरार भी किया मगर एक दूसरे पर तोहमत लगाकर इकरार किया, जबकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते कि हमसे हुआ है। तो ये शायद मुआफी वहीं पर हो जाती, मगर एक दूसरे पर इल्जाम लगाया तो इस झूठ की वजह से उस अदन से निकाल दिए गए। वहां कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती थी मगर फिर मेहनत करनी पड़ गई। इससे पहले उसने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था कि औरत को कि तू बच्चे जनेगी और तुझे तकलीफ होगी तो तकलीफ के साथ जनेगी, मगर बाद में कहा कि नहीं, मैं इतनी तकलीफ बढ़ाऊंगा कि उसको जन्म देते वक्त तेरी जानकनी की हालत होगी, तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होगी। और आदम को कहा कि तू अब इसकी परवरिश करने के लिए सख्त मेहनत करेगा और सख्त पसीना बहाएगा, तो इसको भी पालेगा और खुद भी पालेगा, और यही खुराक जो मैंने मुफ्त में खाने को दी थी अब तुमको मेहनत करके खानी होगी। मैं यहां अक्सर अपने कई हम खिदमत दोस्तों को ये राय देता हूं, खुदा पाक है और उसने सब कुछ पाक बनाया था और वो उसमें किसी तरह की भी नापाकी नहीं चाहता था। खुदा ऐसा पाक है कि उसने जो कुछ अपने मुंह से फरमाया, कलाम किया, वही कुछ हुआ। और आदम और हवा को भी उसने ऐसा ही बनाकर बरकत दी थी कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो, महकूम करो। ये उसने एक अपनी सूरत और अपनी शबी की बहुत सी जो है एक कसरत पैदा करने का उसने एक जरिया बनाया था। और वो इस तरह था कि अगर आदम अपने मुंह से कलाम करता जैसे खुदा ने कलाम किया कि आसमान बन जाए तो आसमान बन गया, रोशनी बन कहा तो रोशनी बन गई, तारीकी बोला तो तारीकी बन गई, इसी तरह आदम भी अगर अपने मुंह से कलाम करता कि हवा बच्चे को जन्म दे तो वो प्रेग्नेंट हो जाती। हम महसूस करता हूं कि अगर मैं यहां जो ये चीज बयान कर रहा हूं, सॉरी, शायद सुनकर बड़े लोग इस बात पर वो तैश में भी आ सकते हैं कि ये क्या है, ये इसको शर्म नहीं आ रही, मैं इसमें शर्म फील नहीं करता क्योंकि जो कुछ खुदा ने बनाई है हकीकत यही है। और इसका सबूत उसने फिर बाद में कैसे दिया, जब वो कलमे को मुजस्सम करता है
तो जिस्म तो यही दुनियावी था, मगर जब वो कलमे को बयान करता है कि ये ऐसा होगा, तो उसका जिंदा सबूत हमारे सामने है कि मसीह खुदावन कलमे से मुकद्दसा मरियम प्रेग्नेंट हुई। तो कलमा जिस्म लेकर उसमें से पैदा हो गया। तो खुदा ने सिर्फ कहा, उसके फरिश्ते ने आकर उसका कहा हुआ पैगाम दिया। खुदा उस फरिश्ता में होकर बोला कि ऐसा तेरे साथ होगा और यही मेरा बेटा कहलाएगा और यही बुजुर्ग होगा और यही अब तुम्हारे गुनाह से तुमको खलासी बख्शेगा और इसी का राज हमेशा पूरी दुनिया पर रहेगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो बताएं, उसमें किसी जिस्म का आंसर नहीं है, वो कलमे की पैदाइश है। कलमे कलमा मुजस्म हुआ है, कलमे ने मेरी और आपकी सूरत ली है, वजूद लिया है। तो मुकद्दसा मरियम तक वो बतन नापाक था, बड़ी कसरत पैदा हो चुकी थी नस्ले आदम की और नस्ले औरत की, मगर वो सब के सब उसी गुनाह की वजह से, बातनी तौर पर तमाम औरतें जो थीं वो मरूसी गुनाह की जद में थीं। वो ये था मरूसी गुनाह जो वहां अदन में हुआ और खुदा की हजूरी में हुआ था, क्योंकि उस अदन में खुदा की हजूरी रहती थी और इस इंसान ने वो दूसरे चोर की कलाम के पीछे लग के उस असल को दबा दिया और उस नकल को अपने अंदर कंसीव कर लिया। तो यही उनकी मौत का सबब ठहरा और इसी वजह से ही जो मौत तैयार हुई उसके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों को मरने के बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि आगे कोई जिंदगी है या नहीं है, इसीलिए बड़े बड़े सोग होते थे जब कोई रहलत करता था। तो यही समझ लें कि दो दो महीने और ढाई ढाई महीने जो थे वो सोग रहता था। खुदा ने बड़े जतन किए, बड़े नबी भेजे, पैगंबर भेजे, अंबियाजादे भेजे, रसूल भेजे कि इंसान इस गुनाह से बच निकले, लेकिन ना बच सका। फिर भी हमेशा की मौत ही मरता था, इसलिए कहा गया कि खुदा ने जब जमीन पर नजर की कि कोई देखे कि कोई है खुदा दाद, लेकिन एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और सभी खुदा के जलाल से महरूम थे, उसकी ममूरी से महरूम थे। अपने अंदर जो दिल है वो उसका मकान है, वो खुदा का मकान है, वो उसका कमरा है, उसमें से उसको निकाल कर बाकी दुनिया की तमाम बदियां उसमें समेट रखी थीं और इसी वजह से सारी दुनिया गुनाह में पड़ी हुई थी। और इसी वजह से ही जब उसकी खलासी का वक्त आ गया, तो जब कलमे से प्रेगनेंसी हो गई, तो यही पस्त हाली थी औरत की, जिसका फिर मुकद्दसा मरियम ने इकरार कर लिया कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती और मेरी रूह मेरे मुनजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की, क्योंकि यही पस्ती थी, उसका बदन बतन जो था वो नापाक था और उससे गुनाहगार ही इंसान आदमी भी औरतें भी पैदा होती थीं और वो नस्ल दर नस्ल गुनाह था और वो हमेशा की मौत थी, लेकिन खुदा बर्दाश्त न कर सका। तो आखिरकार उसको इसका फिदिया देने के लिए और इसको पूरे तौर पर साफ और पाक करने के लिए उसको अपनी जान का फिदिया देना पड़ा और उसने खुद से जिस्म लिया और उस जिस्म पर उसने फिर दुख उठाया और अपना खून बहाकर
इस धरती को जो ये लानती हो गई थी इसकी लानत को भी दूर किया, औरत के बतन की लानत को भी दूर किया, और मर्द के दिली गुनाह में जो उसके दिल में हर वक्त रहते थे उनको भी उसने धोया, और ये सारा कुछ करके उसने निजात का सिलसिला बनाया। मेरे प्यारे भाई रफीक, ये मारूसी गुनाह था। अब मौजूदा गुनाह के लिए उसने जो मैंने बयान किया है कि उसने कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल, क्योंकि ये सलीब जो थी इसमें गुनाह बसा रहा और इसको बेशक उसने धो दिया है, मगर फिर भी अब दुनिया की जो जरूरियात इसके लिए हैं जिनके ये लालच में पड़ा रहता है और फिर उसी लालच में आकर फिर से भी ये गुनाह करता है और इसी तरह ही गिर पड़ता है, तो उसके लिए उसने कहा कि अब ये सब सलीब उठा, यानी इसी बदन में इन सब फतूरों को अब तू तहम्मल मिजाजी से और सबर से और मेरे कलाम की ताकत से इनके साथ जंग करके तो मेरे पीछे चल और मेरे हुक्मों पर अमल कर और मुझे ही अपने दिल में जगह दिए रख, तो तू नजात याफ्ता और तेरी नई पैदाइश है और मुझे फिर से वो आदम नया मिलेगा जब मैं दोबारा आऊँगा। उसके लिए ही ये कहा गया कि अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, तो अब जब उसके आने पर अब ये मौत जो है जिस मौत की बात की गई है वो मौत वो थी जिस जो हमेशा के लिए इंसान को अजाब में रखने वाली थी, मगर ये मौत जो है अब ये मौत सिर्फ उसमें सो जाना है, सिर्फ दुनिया से एक पर्दा है, आदमी की रूह खुदा के पास जाती है और उसके फरदौस में जाती है। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जब दोबारा आऊँ तो तुम्हें भी वहाँ ले जाऊँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यही खुदा को पसंद था, क्योंकि उस अदन में जो बाग जो बज़ाहिर खुदा ने लगाया था उस अदन में इसकी सूरत में वो इस अदन में रहता था और ये उसमें रहता था और दोनों में कोई फर्क नहीं था, तो ये फर्क जब पड़ गया तो दूरियां हो गई, जुदाई हो गई, ये उससे भी बड़ी मौत थी कि फिर बहुत अरसा गुजरा कि बाप और बेटे की आपस में बात नहीं हो सकती थी, लेकिन खुद से उसने दरमियानी बन के तो फिर से अपने साथ मिलाप किया, और ये मौजूदा गुनाह है, इसका हर रोज इकरार करते रहें तो उसके साथ मुआफ़ी मांग कर तो उसके हुक्मों पर अमल करते रहें तो ये मौजूदा गुनाह है जिससे वो बहुत जल्द रिलीज करता है। बल्कि फिर ये गुनाह हमसे होता ही नहीं, जब हम उसको फिर से दिल में बसा लेते हैं तो फिर तौबा करके तो इकरार करके तो फिर ये गुनाह हमसे नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है सारा, मैंने बड़े शॉर्ट करके इसको बयान किया है, अगर आप कुछ समझ रखते हैं तो प्यारे भाइयों इसको समझ लें कि इस मारूसी गुनाह में आज भी वो दुनिया कई बहुत सी पड़ी हुई है जो वही काम करती है, और उनके लिए फिर कलाम मुकद्दस ये बताता है कि बस जब मुझको जान लिया और पहचान लिया और तौबा कर ली और मेरी कुदरत के जायके फिर से ले लिए, अगर फिर से उसी जुए में जाकर जुटते हो तो फिर तुम्हारा नया बनाना नामुमकिन है, फिर हमेशा की मौत के हवाले ही किए जाओगे। इब्रानियों 6 उसकी पहली चंद आयत जो है वो आदमी पढ़ ले कि वहाँ लिखा है कि उसको फिर नए सिरे से नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि वो मसीह को अलानिया दोबारा सलीब पर मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं, इसलिए उनका बचना नामुमकिन और नाकाबिल माफ़ी है, उनके लिए फिर माफ़ी कोई नहीं है। और ये सोच लें और समझ लें कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह की बनानी है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सलीब का पैगाम है, अब हमारी सलीब जो है वो जिंदा सलीब है, हमारा अपना वजूद जिंदा सलीब है, और इस सलीब में मसीह यीशु के कलाम को लेकर चलना है, तो इस पर आने वाले दुख, मुश्किलें, मुसीबतें, तंगियां, बदहालियां, हर तरह की खुदा और गुनाह घिनौनी बातें इसमें से जब दूर हो जाती हैं तो फिर ये जिंदा सलीब है और ये उसकी पैरकार हो जाती है, तो फिर ये निजात के काबिल है और ये निजात याफ्ता होती है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे और आप लोग सदा खुश रहें, और इस हकीकी मारूसी गुनाह
को इस तरह जान ले पूरे तौर पर कि इससे घिनौना गुनाह कोई नहीं था, खुदा का मकसद ये नहीं था कि इस तरीके से हो, मगर ये उसका फजल और उसका रहम समझे कि उसने फिर इसी तरीके को ही, मेरे मतलब है कि एक किस्म का आपके लिए कबूल कर लिया और आपको नए सिरे से नया बनाना फिर उसने उसका कसद खुद कर लिया और वो दुख उसने खुद से बर्दाश्त कर लिया और आपको फिर भी उस मारूसी गुनाह की गंदगी से खलासी बख्शी और इस मौजूदा में उसने कहा कि ऐसा गुनाह करो ही ना, लेकिन लोग आज भी करते हैं तो इससे आज भी बचना चाहिए। हरामकारी जनाकारी खुदा को पसंद नहीं है और ये कई सूरतों में होती है, वहाँ तो ये जिस्म की सूरत में हो गई मगर बाकी सूरतें इसी की वजह से पैदा होती हैं और वो जादूगरियाँ हैं, फालगिरियाँ हैं और हाथ वो लकीर शनासी जो नजूमी करते हैं, पामस्ट जो हैं और बुत परस्ती, फिर से वही वो पीरों फकीरों को और कब्रों को मानना और जादूगरी को मानना, ये सबसे बड़ी ये भी हरामकारी और जनाकारी है, ये खुदा के साथ बगावत है। इन सब चीज़ों से वो कहता है कि मुबर्रा होकर और इनसे तोबा करके मेरे कलाम पर चलते रहो तो जिंदा सलीब लेकर चलोगे और ये निजात याफ्ता सलीब बन जाएगी। इसलिए सलीब का पैगाम निजात है और इस सलीब को समझें और इस सलीब पर निजात पाएं। खुदा आपके लिए निजात के दरवाजे खोल दिए हैं उसने और इस दरवाजे में से गुजरें, इन तंगियों में से गुजरें, इन मुश्किलों में मुसीबतों में से गुजरें और अपने यीशु को अपने अंदर जगह दिए रखें तो फिर मेरी और आपकी और सब दुनिया की और तमाम दुनिया की निजात मुमकिन है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे, बड़ी बरकत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन।